अमित शाह से मिल के आया है सर। खबर तो पूरा ऐसी चल रही है ना कि मांझी जी चल जाएंगे बीजेपी के साथ। कोई कोई तो यह बोल रहा है कि 2 सीट 3 सीट पर डीलो होने वाली है बात। नीतीश कुमार जी का चर्चा की हो रही है प्रधानमंत्री के लिए तो कोई गलत नहीं हो रही है। हम भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आज 18 वर्ष से मुख्यमंत्री पद चला रहे हैं, निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी जी से क्वालिफिकेशन में ज़्यादा हैं। नीतीश उनका क्वालिफिकेशन का अभी पता नहीं चला है। ठीक है 10-15 वर्ष उन्होंने भी चलाया मुख्यमंत्री पद, लेकिन उस समय में हर दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी से नीतीश कुमार जी आगे हैं, अनुभव में भी क्वालिफिकेशन में भी, और हम समझते हैं कि इन पर अभी तक कोई दाग नहीं लगी है। तो अपने तो बहुत साफगोई से उन्होंने कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। खबर ऐसी चल रही है कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं एनडीए के खिलाफ। वहीं जो मांझी साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतनराम मांझी साहब, वो अमित शाह से मिल रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी बिहार सरकार के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। आज अमित शाह से मिल के आया है सर। खबर तो पूरा ऐसी चल रही है ना कि मांझी जी चल जाएंगे बीजेपी के साथ। कोई कोई तो यह बोल रहा है कि 2 सीट 3 सीट पर डीलो होने वाली है बात। तो ये जो भ्रम की स्थिति है सर, क्या है कि आप जो गए दिल्ली अमित शाह जी से मिले उसको लेके? ये सारी चीज़ बकवास है और हम तो यही कहते हैं, मीडिया वाले लोग यही कह करके किसी से कुछ कहवाना चाहते हैं, मीडिया में बना रहना चाहते हैं सुर्खियों में, ताकि लोग देखें उनके पेपर को या उनके चैनल को। ये एक गलत परंपरा चली है समाचार प्रसारण में, ऐसा नहीं होनी चाहिए। समस्या मूलक कोई बात हो जिसका निराकरण हो और उसका वेंटिलेशन हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहाँ की बात है, कौन कहाँ जाने वाले हैं, ये कैसे आप समझिए कि कौन कहाँ जाने वाले हैं? तो ये गलत बात है। बात सिर्फ यही है कि हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से समय मांगा था कि दशरथ बाबा जो हमारे पर्वत पुरुष कहे जाते हैं, 22 वर्ष 6 महीना में एक गहलोर घाटी पहाड़ को काट दिया, जो समझिए कि अद्वितीय काम है, ऐसा काम आज तक संसार में कोई नहीं किया, उनका नाम भारत सरकार ने भारत रत्न के लिए भेजा 2 साल पहले, लेकिन नहीं मिला बिहार सरकार ने। तो हाँ, बिहार सरकार ने, ठीक है सॉरी। और जब बात मालूम हुई तो कुछ उत्साही युवक लोग, जिसमें सत्येंद्र गौतम नाम करके एक युवक है जो अभी वहाँ फॉरेस्टेशन में विश्वास करता है, नदी किनारे काफ़ी वृक्ष लगाया है, फलदार वगैरह ये सभी, उसने ठाना कि हम पैदल जाएंगे दिल्ली और राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे और उनसे भारत रत्न का उपाधि मांगेंगे, और ये लोग 56 दिन का पैदल यात्रा तय करके दिल्ली पहुंचा 1200 किलोमीटर, और हम लोग ने उसको लिखा था राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री जी ने लिख दिया अमित शाह जी को कि आप मिल लीजिएगा क्योंकि विषय आपका है, और महामहिम राष्ट्रपति जी 1 अप्रैल को मिले। 1 अप्रैल को करीब 27 आदमी तो गए थे यहाँ से पैदल, और जब जंतर मंतर रोड में हम लोग धरना दिया तो उसमें करीब करीब 1000 समूचे बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश से, आसाम से, बंगाल से, झारखंड से जुटे थे, और यही मांग थी कि दशरथ बाबा को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, तो उस समय नहीं मिल सके। 2 दिन पहले मालूम हुआ अमित शाह जी कल के बारे में कि मिलना चाहते हैं, आज के बारे में 13 तारीख को कि मिलना चाहते हैं, तो फिर हम लोग गए, उनसे मुलाकात हुई और अच्छा आश्वासन उन्होंने दिया, और सिर्फ दशरथ मांझी के बारे में ही नहीं हमने बात कही, दशरथ मांझी के साथ साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम भी गया है, लेकिन उनको भी नहीं मिला। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भी मिलना चाहिए, उसका नाम भी गया है। एक कन्फर्मेशन आज माननीय मुख्यमंत्री से भी हुई,
माननीय मुख्यमंत्री से पहले मिल करके तब जाना चाहते थे हम अमित शाह के यहाँ, लेकिन संजोग ऐसा कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली में थे लेकिन मुलाकात हमारी नहीं हुई। तब तक हम 12-10 में जाकर के उनसे मिले और सारी बात को उनको कहा एक अंदाज पर कि बिहार सरकार ने भेजा है इन लोगों का नाम पर भारत रत्न के लिए, इसलिए इसको दिया जाए। बड़ी गंभीरता से उन्होंने सुना और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, देखेंगे। और फिर तुरंत ही जब निकले वहाँ से तो माननीय मुख्यमंत्री का भी टेलीफोन आया कि आप मिलना चाहते थे। हम कि हाँ हम मिलना चाहते थे जिन बात के लिए, लेकिन अब तो मुलाकात उनसे हो गई लेकिन तो भी आप दिल्ली में हैं, नया मकान में हैं, गए नहीं हम, आप कहिए तो हम आ जाएं आपसे मिलने, तो फिर हम आ जाइए। तो ही मिलने के लिए गए, वहाँ चाय वाय हुई, बातें हुई कि ये बात किया तो उन्होंने भी कहा कि हम तीन तीन बार ही तीनों का नाम भेजा है भारत सरकार के तरफ से, अभी न इन लोगों का मिलना भारत रत्न की उपाधि अन्याय है, क्योंकि तीन बार भेजे हैं और नहीं भेजे हैं, नहीं किया तो आप लोग मिले हैं तो देखिए। हम कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा टास्क जवानों ने किया है कि 56 दिन पैदल भूखल प्यासल गया है और घर द्वार छोड़ कर गया है और दिल्ली में 2 दिन रहा और मिलने का काम किया है, अब इसके बाद भी अगर नहीं देंगे भारत रत्न की उपाधि तो निश्चित रूप में हम लोग और अगला कार्यक्रम करेंगे। ये एकदम विशुद्ध हम लोग ये तीनों महानायक के बारे में कहने के लिए गए थे, विशेष रूप में दशरथ महाराज के बारे में कहने गए थे और मुख्यमंत्री से जानना चाहते थे, कन्फर्मेशन लेना चाहते थे कि हाँ उन्होंने भेजा है नाम कि नहीं। जो बाद में कन्फर्मेशन हुआ कि हाँ उन्होंने भेजा, लेकिन इस चीज़ को हम प्रत्याशा में अमित शाह से बोल दिया था कि बिहार सरकार ने भेजा है उन लोगों का नाम, इसलिए आप लोग कीजिए। तो राष्ट्रपति कोई हो, मुख्यमंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो, गृहमंत्री कोई हो, पार्टी कोई भी रहे, लेकिन कोई भी आदमी काम के लिए तो मिलता ही है, तो वही काम के लिए हम लोग मिले। और ये अखबार वालों की फतूरी है, ये आप लोगों के मीडिया वालों की फतूरी है कि अपने मन से अनेक बात चला रहे हैं, एकदम अब्सर्ड बात है, एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कहना है हम विशुद्ध गए थे सामाजिक कारणों से और हमको उम्मीद है कि जब बात गई है तो निश्चित बात होगी, अगर नहीं होगी तो हम लोग अगला कार्यक्रम भी सोचा है जो बाद में करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी का चर्चा की हो रही है प्रधानमंत्री के लिए तो कोई गलत नहीं हो रही है। हम भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आज 18 वर्ष से मुख्यमंत्री पद चला रहे हैं, निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी जी से क्वालिफिकेशन में ज़्यादा हैं। नीतीश उनका क्वालिफिकेशन का अभी पता नहीं चला है, ठीक है 10-15 वर्ष उन्होंने भी चलाया मुख्यमंत्री पद, लेकिन उस समय में हर दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी से नीतीश कुमार जी आगे हैं, अनुभव में भी, क्वालिफिकेशन में भी, और हम समझते हैं कि इन पर अभी तक कोई दाग नहीं लगी है। तो अपने तो बहुत साफगोई से उन्होंने कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन विपक्षी एकता बने ताकि 2024 में भाजपा की सरकार जाए, इसलिए कि जुमला की सरकार एक तरह से है, कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 8 साल हो गया, 16 करोड़ नौकरी कहाँ गई। कहे थे कि हम महंगाई रोकेंगे, आज साहब गैस सिलेंडर का दाम 400 से आज 1100 हो गया। उसी प्रकार से अनेक तरह की तबाहियाँ हो रही है, तो जनता यहाँ की ऊब गई है और जुमला की सरकार मानती है भाजपा की सरकार को। वैसी परिस्थिति में विपक्षी एकता बहुत आवश्यक है और विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं। एक राउंड पहले गए थे, दूसरा राउंड अभी होकर के आए हैं, बड़ी सार्थक बात हुई है सभी नेताओं से, तो ये कर रहे हैं प्रयास। रही बात यदि जो विपक्षी लोग हैं उनकी एकता बन गई, चुनाव 24 में हुई, तो चुनाव में अगर इनका बहुमत हुआ
तो बैठ करके तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो इसलिए प्रश्न कहाँ उठता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए जा रहे हैं, वो तो लोग पर निर्भर करता है कि कौन उनको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। लेकिन काबिलियत का जहाँ तक सवाल है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के हर अहर्ता को पूरा करते हैं। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो मांझी साहब जो गए वो दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए अमित शाह से मिले, गृह मंत्री से, और इस तरह की खबरें चलने लगी कि जा रहे हैं एनडीए के साथ, इतनी सीटें तक बात पहुंच गई। तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।